क्या वनराज के वजह से आ जाएगी अनुज अनुपमा में फिर से दरार? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा किस तरह से वनराज आधी रात को अनुपमा से मिलने आएगा, जिस पर अनुज जो है थोड़ा सा परेशान हो जाएगा कि आखिर वनराज इतनी रात को क्यों आया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि काव्या का सच जानकर वनराज आजकल काफी परेशान है, जिसके चक्कर में वो अनुपमा से बात करने आया था कि आखिर अनुपमा ने उसका धोखा कैसे बर्दाश्त किया। वहीं बात करें रोमिल की, तो आप देख सकते हैं रोमिल की एंट्री जो है कपाड़िया हाउस में हो चुकी है, जिसके बाद पूरा परिवार काफी परेशान दिखाई दे रहा है। वही डिम्पल जो है वो अलग ही षड्यंत्र बनाने में लगी हुई है। उसका मानना है कि कैसे भी वो समर को अपने सपोर्ट में रखे और पूरे परिवार से लड़ती फिरेगी। अब जो है और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में, तो चलिए बताते हैं अनुपमा अनुज इन सब को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोमो जो है सामने आया है, जिसमें वनराज जो है गिल्टी हो चुका है और आया है आधी रात को अनुपमा से मिलने। वो अनुपमा के घर के बाहर खड़ा होकर अनुपमा का वेट कर रहा है। जब अनुपमा उसके सामने आती है तो वनराज उससे पूछता है कि आखिर अनुपमा तुमने मेरा धोखा कैसे बर्दाश्त किया, क्योंकि मैंने जब वो चीज की थी तब मुझे पता नहीं था, लेकिन आज जब वो चीज मुझ पर बीत रही है तो मुझे समझ में आ रहा है। वहीं काव्या जो है वो भी वनराज से अपनी बातें कहने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज काव्या से नाराज हो चुका है। अब काव्या जो है और भी बहुत सारी चीज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वनराज उसकी बात सुन ही नहीं रहा। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कैसे अनुपमा से वनराज ये बातें कह रहा होता है, तो अनुपमा जो है उसे वहाँ से भगा देती है और कहती है आज के बाद मुझसे ये बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन चीजों को भुला चुकी हूँ। वहीं पर बाद में अनुज आ जाता है और अनुज वनराज को देख लेता है, लेकिन अनुपमा अनुज से बातें छुपा लेती है और कहीं ना कहीं अनुज को फिर से शक होने लगता है। वहीं अगर बात करें डिंपल की, तो आप देख सकते हैं डिंपल जो है बार बार गुरुकुल की धमकी सबको दिए जा रही है, जिस बात से बा जो है बहुत परेशान हो चुकी हैं। बा कहती है गुरुकुल की धमकी देना बंद कर, लेकिन समर जो है वो तो भाई फुल सपोर्ट कर रहा है डिंपल का, और समर कहीं ना कहीं तोशु से भी लड़ रहा है भाई डिंपल की वजह से। वहीं आप देख सकते हैं रोमिल को लेकर आधी रात में कपाड़िया हाउस में ड्रामा होने वाला है, जहां अनुपमा अनुज दोनों साथ में खड़े होंगे। अनुपमा हैरान है, बेचारी मुंह पे हाथ रख के सोचती है कि आखिर अब वो आगे क्या करे, क्योंकि बरखा अंकुश जो है पूरे घर में तमाशा मचा रहे हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कैसे अधिक का गुस्सा जो है रोमिल पे निकलता है। अधिक गुस्से में रोमिल का कॉलर पकड़ के कहता है कि ऐसा है, मैं तुझे इस घर का पार्ट कभी नहीं बनने दूंगा। लेकिन रोमिल कितना बदतमीज है, कितना चालाक है, उसको आप देख सकते हैं कैसे वो पूरे परिवार के सामने ड्रामा करता है। फिर अंकुश जो है भाई वो बीच में आ जाता है और कहीं ना कहीं अधिक को धमकी देता है। वहीं बरखा जो है वो अलग ही ड्रामा कर रही है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है इतने सारे ड्रामों के बीच अनुपमा की आगे की स्टोरी क्या होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।